नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. 78 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 80 सेल्सियस. डेटा भी बनाते हैं साथ में. तो वॉल्यूम हमें गिवन है 78 ml. ठीक है, सैंपल को हमने हीट किया है, गैस सैंपल को. इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 35 सेल्सियस और T2 हमें गिवन है 80 सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. प्रेशर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है. ठीक है, वट इज़ द फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो ये जो वॉल्यूम है ये वी इनिशियल या आप कह सकते हैं V1 है. ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे देखें, टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है, दोनों टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है. तो सबसे पहले हम इसे इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, जिसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 273. ठीक है, दोनों में. तो दोनों टेम्परेचर कन्वर्ट हो चुके हैं केल्विन में. ठीक है, चलें सॉल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2. ये V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 से और V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 से. तो ये हो जाएगा V2 मल्टीप्लाई T1 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई V1. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो हमें कैलकुलेट क्या करना है, V2 हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे T1 इक्वेशन की साइड आने के बाद इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई V1 डिवाइड बाय T1. V2 इज इक्वल टू T2 की जगह हम T2 की वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, 353 मल्टीप्लाई V1 जो कि है 78. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे T1 से. ठीक है, जो कि है 308. V2 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 353 मल्टीप्लाई 78. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 27.534 एक्सपोनेंट 3. इसको डिवाइड कर देंगे 308 से. तो आपका आंसर आ जाएगा 89.39 ml. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन 4 है. अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40.0 डीएम क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. डेटा भी बनाते हैं साथ में. तो कहते हैं कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V1. ठीक है, 40.0 डीएम क्यूब का वॉल्यूम है उसका. ठीक है, कब, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 0 सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर और प्रेशर होगा 1 atm. देन कहते हैं व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड अप टू 3 atm, मतलब कि P1 जो है वो हमारे पास है 1 atm. ठीक है, और जब हमने प्रेशर यानी P2 को 1 से ज़्यादा किया है 3 atm, अनचेंज टेम्परेचर अनचेंज होगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी. व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम. न्यू वॉल्यूम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ठीक है, V2 हमें कैलकुलेट करना है. तो P1 V1 हम एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि ये P2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, V2 इज इक्वल टू P1, तो P1 की जगह हम P1 की वैल्यू लिखेंगे,
वी वन की जगह हम वी वन की वैल्यू लिखेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे पी टू से, और यहाँ हम पी टू की वैल्यू लिखेंगे। देन 40.01 सा 40.0 ही आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड किया आपने 3 से, फोर्टी पॉइंट ज़ीरो डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.33, ठीक है। और इसकी जो यूनिट आएगी वो होगी डी एम क्यूब, ठीक है, क्योंकि वी वन की यूनिट भी डी एम क्यूब है, ठीक है, तो वी टू की यूनिट भी क्या होगी डी एम क्यूब में ही आएगी। क्वेश्चन 5 है, द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक 800 सेंटीमीटर क्यूब की गैस है जिसे हमने कंटेनर में इनक्लोज्ड किया है और उसका प्रेशर जो है वो है 750 मिलीमीटर। वॉल्यूम है 800, ठीक है, इस पर उसका प्रेशर है 750 मिलीमीटर। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू, अगर हमने वॉल्यूम कम किया है 250 सेंटीमीटर क्यूब तक, व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर अब क्या होगा, ठीक है। जब 800 का वॉल्यूम था तो तब प्रेशर था 750 मिलीमीटर, देन हमने वॉल्यूम को कम किया है 250 तक, ठीक है, और तब हमें P2 कैलकुलेट करना है उस वॉल्यूम पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे V2 यहाँ के इक्वेशन की साइड आने के बाद इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। P1 की जगह P1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 750 मल्टीप्लाई V1, तो V1 की जगह V1 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे V2 से। देन P2 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 मल्टीप्लाई 800, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 एक्सपोनेंट 3, इसको डिवाइड कर देंगे हम 250 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2400। मिलीमीटर। क्वेश्चन 6 है, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 8 atm, ठीक है। डेटा बनाते हैं, प्रेशर है एक सैंपल ऑफ गैस का 8 atm एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर, और उसका वॉल्यूम है 15 लीटर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 6 atm, अगर हम उस प्रेशर को 8 atm से कम करके 6 atm तक कर दें, वट इज़ द वॉल्यूम, देन तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, तो जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। अब आप यहाँ देखें V2 हमें कैलकुलेट करना है, तो P2 इक्वेशन की इस साइड आने के बाद P1V1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। P1 की जगह P1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8 मल्टीप्लाई V1 की जगह V1 की वैल्यू लिखेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे P2 से, 8 मल्टीप्लाई 15 तो आ जाएगा 120, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। V2 आपका आ गया 20 लीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।